हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार हो गई हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के भी संक्रमित होने की खबर सामने आई है। खास बात है कि मई में वो राजस्थान के उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में शामिल हुई थी। उस कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं ने शिरकत की थी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि बीते हफ्ते सोनिया गांधी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही थी। बुधवार शाम को वो कोविड-19 पॉजिटिव आई हैं। खबर आई है कि उन्हें हल्के बीमारी के लक्षण आ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने कहा है कि इनमें से कुछ कोविड से संक्रमित हुए हैं। कांग्रेस नेता ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने की तारीख वही रहेगी। ईडी ने सोनिया को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। सोनिया गांधी पहले भी फेफड़ों में संक्रमण का शिकार हो चुकी हैं। साल 2014 में उन्हें राजस्थानी दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उस दौरान कहा जा रहा था कि कांग्रेस नेता को एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर 2020 में कांग्रेस अध्यक्ष ने डॉक्टर की सलाह पर दिल्ली के भारी प्रदूषण से बचकर तटीय राज्य गोवा चली गई थी। खबर थी कि डॉक्टरों ने क्रॉनिक चेस्ट इन्फेक्शन के चलते उन्हें प्रदूषण से दूर जाने की सलाह दी थी। उस साल अगस्त में अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वो काफी दवाएं ले रही थी और डॉक्टर भी संक्रमण को लेकर काफी चिंतित थे। जागरूक टीवी के लिए नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।